गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। 4th में क्या करना है? फैक्टराइजेशन। इसको हम कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 12x² - 7x + 1। इसको फैक्टराइज करने का रूल क्या है कि ये जो मिड टर्म है -7x ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वो इक्वल टू -7x ही होना चाहिए। ठीक है, और 12x² और मल्टीप्लाई 1 ये वाला जो टर्म है वो इक्वल होना चाहिए 7x का। या प्रोडक्ट ऑफ ऐड और सबट्रैक्ट जो हुआ है, ऐड या सबट्रैक्ट का जो प्रोडक्ट है, यानी कि ये जो हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो वो इक्वल इतना है, तब इसका जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि देखिए हम लोग कैसे कर रहे हैं, 12x² इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, -4x - 3x + 1। अब देखिए ध्यान से, ये ऐड कर दीजिए -4x - 3x, तो -7x आ गया। समझ में आ रहा है जी? तो हम लोग ये ऐड कर दिए तो -7x, और प्रोडक्ट करके देखिए -4x में -7x में करेंगे तो -4 - 3 = 12x² ये इतना, और इसका जो प्रोडक्ट है इसका देखिए तो आ रहा है ना। तो इसी तरह से हम लोग मिड टर्म को तोड़ करके बनाते हैं, और इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं। कितना इन दोनों में कॉमन है? 4x कॉमन हो जाएगा, डिवाइड कीजिए तो 3x - 1, फिर माइनस में जब कुछ कॉमन नहीं मिले तो -1 3x - 1, क्योंकि ये -++ - -++ दोनों में से कॉमन लेंगे 3x - 1, और यहाँ बच जाएगा 4x - 1। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑलरेडी पूरी कंप्लीट है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x² + 7x + 3। 2x² + 7x + 3। 2x² + 7x + 3। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि 7x की वजह मल्टीप्लाई करने पर 2 3 6, इसको तोड़ देंगे 2x² + 6x + 8। 6 1 0 1, और 6 में x में करेंगे तो 6x² ये प्लस 3, ये इसका प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है? 2x, तो यहाँ बच गया x प्लस 2 3 जा 6 प्लस 1 x प्लस 3, दोनों में कॉमन ले लीजिए x प्लस 3, और यहाँ बच गया 2x + 1। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? सॉरी, ये देखिए रोमन नंबर में लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड और ये थर्ड। 6x² + 5x - 6,
6x² plus 5x minus 6. 6x² plus 5x minus 6. यानी इसे मल्टीप्लाई कर 6 36 माइनस 36 आना चाहिए, तो 5 को तो प्लस करने पर होगा नहीं, यानी 6x² माइनस नहीं प्लस 9x प्लस 4x माइनस माइनस कर देंगे तो 9 में से 4 गया 5, ओके 9 4 जा 36 माइनस 6 कॉमन ले लीजिए कितना है 3x, तो यहां बच जाएगा 2x प्लस 3 जा 9, ये हो गया माइनस 2, तो हो गया 2x माइनस माइनस प्लस 3, ये हो गया 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, दैट्स ऑल, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फोर्थ क्या दिया है, 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4, ये पोर्टर टू कराना चाहिए, ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, 4x में से 3x दिया माइनस x और 4 3 जा 2, ये देखिए मल्टीप्लाई इसके इक्वल है, तो यहाँ कॉमन क्या है x, तो हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ कॉमन मुझे प्लस 1 3x माइनस 4, यानी मैं कॉमन दोनों में से ले लीजिए 3x माइनस 4 2x प्लस 1, दैट्स ऑल, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी कंप्लीट हुआ, तो 1 to 4 क्वेश्चन नंबर 4 बन चुका है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 बनाएंगे, तो आज का क्लास इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग, यू ऑलवेज हेल्प मी एंड आई विल आल्सो हेल्प यू।